जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए थे तुम बेकरार, वो दिन आ ही गया। आखिर आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रस्तुत करता है ईपीएफओ के पेपर का एडमिट कार्ड। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये तो सब मतलब एक तरीके से मजाक का मूड था मेरा, देख के एकदम लगा कि आखिरकार पोस्टपोन होते होते आखिर ये पेपर आप लोगों का अब इस यूपीएससी ने कंडक्ट कराने की ठान ही ली। तो ये एक अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं, खासकर उनके लिए जो काफी लंबे से टकटकी लगाकर देख रहे हैं, खासकर उनके लिए जिनको अब तक ये लग रहा था कि यार घर वाले शादी के लिए परेशान है, कुछ दिख नहीं रहा है कहाँ पेपर देना है कौन सा होना है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका आप लोग बोल सकते हैं। तो ईपीएफओ का एडमिट कार्ड अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डाउनलोड का लिंक। तो जैसे ही आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगा कुछ ऐसा पेज, और फिर जाकर आप लोग यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी है, इनको पढ़ लेना जब एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आप लोग की दे रखी है, बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, सेंटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और जो जो भी चीज़ें हैं देखिए सारी अच्छे से आप लोग देख लेना। बाकी सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर है, इसको कोशिश करना कि जल्दी ही डाउनलोड कर लेना, लंबे समय तक चीज़ों को पेंडिंग मत रखना, फिर बाद में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर कई बार वेबसाइट भी हैवी चलने लगती है। तो स्टार्टिंग में ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और उसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, ठीक है, कि हाँ अपना पेपर है तो अपना पहले से ही तैयार रखना है। कैंडिडेट को कोविड 19 से रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे कहीं वो तो नहीं दिखा कि डोज वगैरह लगवा के जाना जरूरी है, ऐसा तो कहीं यहाँ पर मुझे दिखा नहीं, पर हाँ ये है कि आप लोगों को जैसे कि हैंड सैनिटाइजर वगैरह हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हो गया, पर्सनल हाइजीन वगैरह हो गया, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो चीज़ें इन्होंने लिख रखी है यहाँ पर, यानी कि कोविड 19 को आगे नहीं बढ़ाना है, कोविड 19 को यहीं पर ही छोड़कर जाना है। तो ये बातें हैं बेसिकली, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को सारी बातें पता हैं। बाकी ब्लैक जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो जरूर लेके जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर है, चीजें अपनी पहले से ही इकट्ठा कर लेना एक किट के अंदर में। किट जो होती है नॉर्मली आप लोगों को ट्रांसपेरेंट रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है फिर उसको आगे अलाउ नहीं करते हैं। अपना खुद का अपना पर्सनल एक छोटा सा आप लोग हैंड सैनिटाइजर रख लेना, क्योंकि वहां पर कोई किसी के साथ में शेयर नहीं करेगा। मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजर, ये सारी चीजें अपनी किट में ही रख लेना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बिल्कुल वक्त नहीं कहते, बिल्कुल जैसे अपना तैयार होकर बैठ जाना, फिर बस अपना पढ़ाई करते रहिए, जिस दिन पेपर आएगा अपना पेपर देकर आना, पर कोशिश ये करना अपना सेंटर एक बार अच्छे से छानबीन कर लेना सेंटर की कहां पर है, ताकि उस दिन जो है आप लोगों को देरी ना हो जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, आई होप कि आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और रिवीजन की वीडियो आप लोगों की सारी कंप्लीट हो चुकी है, जुलाई वाली बची हुई है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो सारा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में है फिर, ठीक है, उसकी पीडीएफ भी आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कौन कौन एग्जाम देने जा रहा है नीचे बताइए, और बाकी जो एग्जाम देने नहीं जा रहा है वो दूसरों को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, ठीक है। यही तो होता है परिवार, एक दूसरे को सपोर्ट करना। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।